12 में से दो कोर्सेज जो है, कितनी सारी ये जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती हैं, कितनी लैंग्वेजेस हैं ये पूरे प्रोग्राम में, एक हफ्ते में कितनी क्लासेस रखती हैं, लाइक क्या स्केड्यूल होता है? कोर्स में सबसे डिफिकल्ट जो होता है वो तो इसके बाद हम बात करते हैं असाइनमेंट्स की, आपका एक्सपीरियंस। हेलो जी, स्वागत है इस वीडियो में। सो आई थिंक ये एक बहुत ही जरूरी वीडियो है बनाने के लिए, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता है या फिर यहाँ पे वीडियोस नहीं है यूट्यूब पे इनफ, तो दैट्स व्हाई ये बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, आज मैं वीडियो बनाऊंगा। सो मैंने ना आप सबके लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया, जिसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, और सो उस लिंक को ज्वाइन कीजिए ताकि आपको बैरी में जो लोग आ रहे हैं, कहीं भी ऑन्टेरियो में, कनाडा में, जहां भी लोग आ रहे हैं, आपको उनके साथ कनेक्ट करने का मौका मिले। और यहाँ पे मेरे साथ बैठा मेरा फ्रेंड विनय, ग्रेजुएट हो चुके हैं जी कॉलेज से, है ना, कुछ बताइए अपने बारे में। जी मैंने अपना बिग डेटा एनालिटिक्स प्रोग्राम विंटर 2021 में स्टार्ट किया था, और अभी मैंने रिसेंटली मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। मैं और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी, तो बने रहना, क्योंकि जो बेसिकली क्वेश्चन है वो मैंने सारे आज गैदर कर लिए। विनय, पहला क्वेश्चन जो लाइक बहुत ही ज्यादा कॉमन है या बहुत ही जरूरी आ जाता है स्टूडेंट्स के बीच में, वो ये है कि क्या ये प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले प्रोग्रामिंग के कुछ बेसिक्स पता होना जरूरी है या फिर मैंडेटरी है प्रोग्रामिंग? देखा जाए तो मुझे भी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा था, मैंने बहुत लोगों को कंसल्ट किया, इनफैक्ट मैंने तो मेल भी किया था मेरे जो फैसिलिटीज है वहाँ पे। बट आई वुड से कि अगर आपके पास प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड है तो काफी अच्छी बात है वो, क्योंकि बहुत यूज होता है उसमें, क्योंकि ऑफकोर्स पूरा डेटा एनालिसिस ही है। और अगर ना भी हो तो इस कोर्स में ही ऐसे कोर्सेज है जैसे कि डेटा प्रोग्रामिंग है और एक डेटा एनकोडिंग सिस्टम एंड स्टैंडर्ड्स है, जो आपको कोडिंग स्किल्स के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज वो लोग बेसिक से देते हैं, थोड़े आपको एफर्ट्स एक्स्ट्रा पुट करने पड़ते हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो अगर हाँ ना हो तो कुछ भी हो जाएगा, चल जाएगा, हो जाता है, हो सकता है, बाकी हो तो अच्छी बात है। सो इस प्रोग्राम में एज है ना प्रोग्रामिंग का कोर्स है ये, तो इसमें कितनी सारी ये जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती हैं, कितनी लैंग्वेजेस हैं ये पूरे प्रोग्राम में? कोर्स काफी वर्सेटाइल है, तो बहुत सारी लैंग्वेजेस सीखने मिलती है, मेनली पाइथन है, पाइथन लैंग्वेज काफी यूज होता है सारे कोर्सेज में, अलग अलग एनालिसिस में भी और थोड़ा बहुत डेवलपमेंट में भी। उसके अलावा सी शार्प हुआ, आर लैंग्वेज जो कि मेनली मशीन लर्निंग में यूज होती है, और इसके अलावा स्काला लैंग्वेज जो कि पर्टिकुलरली दो सब्जेक्ट में यूज होती है, और बेसिक कोडिंग के लिए आई वुड से लाइक HTML है और जावास्क्रिप्ट है, वो थोड़ा वेब डेवलपमेंट में यूज होता है, एंड दैट्स इट। या ओके, सो अगर हम बेसिकली कोर्स डिस्क्रिप्शन या कोर्स की लाइक डिवीजन की बात करें कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस जरूरी हैं, या कौन लाइक कैसे ऑप्शन मिलती है स्टूडेंट्स को कि क्या क्या पिक कर सकते हैं, या कैसे अपना कितना रैंडमली कोर्स में इस पूरे प्रोग्राम में से डिफरेंट कोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हैं, क्या कुछ आप बताएंगे उस पर? काफी अच्छी चीज जो मैंने एक्सपीरियंस करी इस कोर्स के लिए वो ये है कि कोर्स काफी वर्सेटाइल है। तो आपके पास कोर्स खत्म करने के बाद काफी सारी चीजें होती है, लेट्स से कि आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स काफी अच्छी है तो आप अपनी प्रोग्रामिंग को इसमें एनहांस कर सकते हो बाकी सब्जेक्ट में खाली पासिंग मार्क कलेक्ट करके। फॉर मी मुझे ऐसा था कि मेरी प्रोग्रामिंग उतनी अच्छी नहीं थी फिर भी मेरा एनालिसिस पार्ट काफी अच्छा था, तो मैंने अपने पूरा ध्यान फोकस डैशबोर्ड्स पे, एनालिसिस पे, एक्सेल और SQL जैसे सॉफ्टवेयर पे मतलब अपना पूरा फोकस किया था। बाकी मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने प्रोग्रामिंग भी किया, तो आप कोई भी एक चीज जो आपको लगता है कि आपको उसे डेवलप करना है उसे पकड़ के पूरा फोकस कर सकते हो और बाकी सब क्वेश्चन पासिंग का अरेंज कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली ये है कि अगर किसी का है ना जैसे ज्यादा उसकी स्किल्स या उसकी एक्सपर्टीज है प्रोग्रामिंग में, वो उस टाइप के प्रोग्राम कोर्सेज सिलेक्ट कर सकता है, जिसकी है एनालिटिक्स में वो उस टाइप के कोर्सेज सिलेक्ट कर सकता है, क्या ऐसा? कोर्सेज सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं मिलता एक्चुअली, 12 कोर्सेज है और वो 12 मैंडेटरी कोर्सेज है पूरे कोर्स में एक्सप्लेन इन डिटेल। सो कैसा होता है कि 12 में से दो कोर्सेज जो है वो तो MRP के हैं, मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट, इसके अलावा दो है वो मैंने बताया पहले पाइथन के हैं और सी शार्प के जो है वो है ही, इसके अलावा दो है वो पूरा स्काला बेस्ड है, उसमें आपको पूरा स्काला बेस्ड ही करना है, HDFS, लिनक्स, स्काला लैंग्वेज वगैरह वो सब, और बाकी जो कोर्सेज है उसमें थोड़ा बहुत पाइथन, थोड़ा बहुत एक्सेल, थोड़ा बहुत SQL, थोड़ा बहुत पावर BI और दो कोर्स है जो कि पूरा स्टेट्स और मार्केट एनालिसिस लाइक सप्लाई चेन, कस्टमर सर्विस वगैरह वो दिखाते हैं। तो आपको 12 के 12 कोर्सेज करने होते हैं, बट उसमें से आपको जो अच्छा लगे वो, जैसे कि मेरे लिए डैशबोर्ड डेवलपमेंट काफी अच्छा था तो मैं उस पर अपना पूरा फोकस करता था और मेरा somehow मैंने उसमें अच्छी स्किल्स भी डेवलप कर ली, मेरी प्रोग्रामिंग स्किल्स कम थी तो मैं उसमें अपने एफर्ट्स पुट करके पासिंग का अरेंज कर देता था। और उसके बाद हम बात करते हैं कि 12 कोर्सेज हैं, दैट मींस
6 इन एवरी सेमेस्टर और टोटल 2 सेमेस्टर है ना, ठीक है, और 6 के 6 मैंडेटरी होंगे, कोई ऐसा ऑप्शनल नहीं है कि हाँ ये उठाना नहीं उठाना है, क्योंकि सब कोर्स उठाने पड़ते हैं। कैसा है कि कोर्सेज 6 एक टर्म में और 6 दूसरे टर्म में, साथ में पढ़ने वाले थे ऐसे जिन्होंने, मतलब जिनका ऐसा हुआ था कि उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में एक कोर्स ड्रॉप कर दिया, जो कि ड्रॉप नहीं होता, इसमें सिस्टम क्या होता है कि 12 के 12 कोर्सेज मैंडेटरी है, तो उसमें एक सेमेस्टर में 5 किए उसने, तो बाकी नेक्स्ट टर्म में 7 किए उसके। ओ, तो ऐसे नहीं है कि आप लाइक टाइम इंक्रीज नहीं कर सकते, कि अगर आपका 2 सेमेस्टर है तो 2 सेमेस्टर में ही पूरा करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपने 2 के कोर्स निकाले तो वो अगले 4 महीने ऐड हो जाएंगे, है ना। ओके, सो ये बहुत ही एक जरूरी इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता हो, क्योंकि कई लाइक और प्रोग्राम्स में क्या होता है कि अगर आपने है ना कहीं से निकाले कोर्स, आपने उस सेमेस्टर में प्लान किया कि नहीं करना, अगर आपने वो कहीं भी सेलेक्ट नहीं किया, आपका एक 4 महीने और ऐड हो जाएंगे, तो आपको एक एक्स्ट्रा सेमेस्टर मिलेगा बेसिकली, जिसमें कोर्सेज थोड़े कम होंगे, बट इसमें वैसा नहीं है। सो ये चीज बहुत जरूरी ध्यान में रखने वाली है। हाँ, उसके बाद हम बात करते हैं कि एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या है, कि अगर एक बार जैसे लाइक है ना इंडिया से आ रहे हैं तो क्या 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 वो 12th पास होना चाहिए या क्या होना चाहिए, आप बताइए। बेसिकली ये एक पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है, पोस्ट ग्रेजुएट, हाँ, तो सबसे बेसिक टर्म इसकी जो वो है कि आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी होती है। ओके, सो इंडिया से ग्रेजुएट होना चाहिए, इंडिया से या फिर कहीं से भी ग्रेजुएशन आपका मतलब होना चाहिए, ठीक है। मेरे केस में था, मैंने फिजिक्स से ग्रेजुएट किया था, फिर मैंने एक कोर्स लिया, मैं खुद वो पर्सन था जिसके पास प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड नहीं था, हो जाता है, अच्छे से हो जाता है, ठीक है, बस थोड़ा 84 आ गए तो हो ही जाएगा, नहीं है ना, नहीं सही है, तो आपके 84% है ना, ठीक है। उसके बाद एक बहुत ही जरूरी क्वेश्चन कि टेक्निकल और है ना बेसिकली टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स क्या है, कैसे कंप्यूटर चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम है ना, तो कैसा कंप्यूटर चाहिए, क्योंकि अब ये नहीं होना चाहिए कि वहां से कोई स्टूडेंट कुछ उठाकर लाया और यहाँ पे वो लैपटॉप चला ही नहीं भाई, उस यहाँ प्रोग्राम के लिए नहीं चला, बहुत पैसा बर्बादी, तो पहले से ही बता दो क्या है ना होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कि इसमें लोग क्या होता है, नॉर्मली लोगों को मैक का बहुत शौक होता है, बहुत लोग कंफर्टेबल भी होते हैं उससे, और वो लोग मैक यूज करते हैं कि हम इसमें मैक यूज करेंगे, बट जूडन कॉलेज की पॉलिसी से, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग आउटलुक और पावर बी आई जो भी सॉफ्टवेयर जो रिक्वायरमेंट है वो विंडोज पे रन होते हैं। अच्छा, यही हुआ कि आप विंडोज का एक पीसी लो जिसमें बेसिकली एक इंटेल i5 प्रोसेसर हो, इंटेल i5 या विंडोज पीसी, विंडोज पीसी या 8GB रैम वुड बी इनफ, एटलीस्ट 8GB और उससे ज्यादा जाओ तो अच्छा ही है, और मैं और 500GB हार्ड डिस्क विल बी वो भी काफी इनफ होगी, 500GB हार्ड डिस्क और मैक ना लेके हो, बस दैट्स लाइक मोस्ट इंपोर्टेंट, मैक ना के लिए ना ही रन करो तो अच्छा, अगर आपको मतलब क्योंकि वो चलेगा नहीं, तो ठीक है, ये चीजें ध्यान में रखना अगर आप ये प्रोग्राम लेके आ रहे हो, तो उस टाइप से लैपटॉप बाय करना, सो इंटेल i5 है ना और 8GB रैम एटलीस्ट, और उसके बाद 500GB की हार्ड डिस्क। ओके, सो इसके बाद हम करियर अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं कि इस प्रोग्राम से ग्रेजुएट होके क्या क्या बंदा कर सकता है ना, क्या किस फील्ड में जॉब कर सकता है, किस टाइप्स की जॉब कर सकता है। कोर्स की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है, एक तो हमारी बात हुई वो वर्सेटाइलिटी, और दूसरा इसकी रिक्वायरमेंट्स, एज अ वेब डेवलपर अप्लाई कर सकते हो, और आपकी अगर एनालिसिस अच्छी है तो आप एज अ डेटा एनालिस्ट, और मैं भी एज अ जूनियर डेटा एनालिस्ट, और पावर बी आई डैशबोर्ड डेवलपर और टेबलू डैशबोर्ड डेवलपर, बहुत सारे ऑप्शन है। आप अगर जाओगे जो मेन मेन्यू के अंदर बैनर मेन मेन्यू जूडन कॉलेज की साइट पे, उसके अंदर होता है जूडन कनेक्ट्स, तो उसमें कॉलेज वाले खुद ही पोस्टिंग कराते हैं, जो कि फ्रेशर्स को जॉब्स अपॉर्चुनिटीज होती है। तो आप अगर फ्रेशर हो, आपके पास बैकग्राउंड एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो, और बाकी आप डायरेक्टली लिंक्डइन से भी अप्लाई करोगे तो ये जो डिग्री है काफी वैल्यूएबल है। ओके, सो बेसिकली इनटेक्स की अगर बात करें तो आई गेस 3 इनटेक्स हैं, समर, फॉल एंड विंटर्स, या दैट्स राइट। ओके, एक हफ्ते में कितनी क्लासेस लगती हैं, लाइक क्या स्केड्यूल होता है, कैसे बंदा सिलेक्ट कर सकता है, आपकी कितनी क्लासेस लगती होती थी? वेल डिपेंड करता है, क्योंकि वहां पे टाइम टेबल्स होते हैं, ए बी सी, और सेकंड सेम में था ए बी सी डी। ओके, आई गेस वो जब रजिस्ट्रेशन खुलेगी स्टूडेंट तभी टाइम, आप जब एक बार एनरोल हो जाओगे सिलेक्ट कर लो एक कोर्स कि हाँ मुझे यही कोर्स करना है, तब आपके पास ऑप्शन आएंगे आप टाइम टेबल सिलेक्ट करने का। मैंने टाइम टेबल जो सिलेक्ट किया था उसमें 3 दिन क्लासेस थे वीक में, और ट्यूजडे और थर्सडे, मंडे ट्यूजडे थर्सडे, और एक दिन 2 कोर्स, जबकि सेकंड सेमेस्टर में मेरे एक दिन में लाइक उसमें मंडे को एक कोर्स, ट्यूजडे को एक कोर्स, थर्सडे को 2 कोर्स और फ्राइडे को 2 कोर्स। जल्दी है ना, जब भी टाइम टेबल खुले जल्दी सिलेक्ट करो, ताकि आपको 3 दिन का मिल जाए, ज्यादा बेटर है। सो उसके बाद हम बात करते हैं इसमें को-ऑप
है कि नहीं है इसमें कोऑप तो इंक्लूडेड नहीं है बट फिर भी जो कनेक्ट्स में आपको मैंने जैसे कि मेंशन किया था पहले भी ऑप्शन मिलते हैं ग्रेजुएट होने के बाद आपको ऑप्शन मिलते हैं कि आप वहां से जॉब के लिए अप्लाई कर सको। ओके ओके सो इसके बाद हम बात करते हैं असाइनमेंट्स की। आपका एक्सपीरियंस आपका क्या एक्सपीरियंस रहा असाइनमेंट्स को लेके लाइक बेसिकली अगर आप ओवरव्यू देना चाहेंगे कि कैसा एक्सपीरियंस आपका था और कैसे आप रेकमेंड करेंगे? वेल असाइनमेंट्स तो जो कोर्स में सबसे डिफिकल्ट जो होता है वो होता है असाइनमेंट्स। या लाइक इसमें मुझे अच्छा लगा वो सिस्टम ये है कि अनलाइक इंडिया कि आपने एक एग्जाम दिया आपने जो करना था उसमें कर लिया अगर बीमार हो गया तो पूरा गया अगर नकल मिल गई तो पूरा हो गया ऐसा नहीं होता इसमें। ठीक है यहाँ पे हर असाइनमेंट वाइज मार्क्स होते हैं जैसे कि आप टर्म शुरू हुआ आपका पहला असाइनमेंट लेट्स से 10% का है दूसरा 15% का है फिर मिड टर्म है फिर प्रोजेक्ट है तो आपके मार्क्स असाइनमेंट वाइज होते हैं कि जितना आप असाइनमेंट कंप्लीट करते जाओगे उतने आपके मार्क्स वो बनते जाएंगे और एंड में आपका पूरा सेमेस्टर का सबके मतलब वो असाइनमेंट्स के मिड टर्म के प्रोजेक्ट्स के और फाइनल टर्म के मिला के आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। ओके सो आपको पूरा सेमेस्टर ही पढ़ना पड़ेगा ऐसा नहीं कि भाई आपने 3 महीने नहीं पढ़ा चौथे महीने पढ़ के आप मार्क्स ले आओ तो पूरा सेमेस्टर पढ़ते रहो और ज्यादा अच्छा भी है स्ट्रेस थोड़ा कम रहता है लेकिन एंड में स्ट्रेस कम रहता है ना। उसके बाद लास्ट बात हम करते हैं जो क्वेश्चंस किसी के थे वो ऑलमोस्ट सब कवर हो चुके हैं बट अगर स्टिल हो वो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए लेकिन उसके भी बाद हम स्टिल एक बात करते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट इंडिया से या कहीं से भी यहाँ पे आ रहा है अपना ये प्रोग्राम लेके तो आप उसको अपनी कोई एडवाइस एज अ ग्रेजुएट अपनी कोई एडवाइस या कुछ भी जो बताना चाहते हो गो अहेड। श्योर श्योर जो डिफिकल्टीज मैंने फेस करी थी फर्स्ट सेमेस्टर में वो मैं बताना चाहूंगा। तो मेरे को इनिशियली असाइनमेंट्स के बहुत इशू होते थे क्योंकि मेरा बैकग्राउंड नहीं था तो मुझे जो इंस्टॉलेशन होते सॉफ्टवेयर्स के आपको बेसिकली सारे सॉफ्टवेयर जो रिक्वायर्ड है वो कॉलेज प्रोवाइड करती है पर उनका इंस्टॉलेशन उनको यूज कैसे करना है वो सब सीखने में मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ा था। मैं असाइनमेंट्स को एकदम डेडलाइन मैच करता था कि अगर आज सबमिशन तो आज ही काम करता था। सो मैं एडवाइस करूंगा अगर आपका असाइनमेंट आज है तो एटलीस्ट 2 दिन पहले का ट्राई कीजिए ताकि अगर कोई अगर आपकी भाई मिस्टेक भी हो जाए असाइनमेंट में तो आपके पास एटलीस्ट टाइम हो ना उस मिस्टेक को करेक्ट करके। अगर आप नॉर्मली डेडलाइन से पहले मीट करते हो तो जो प्रोफेसर है वो मार्क करते हैं और तो अगर आपकी इमेज अच्छी है कि आप टाइम पे असाइनमेंट्स के रिक्वायरमेंट्स मीट कर रहे हैं टाइम से पहले सबमिट कर रहे हैं लास्ट टाइम पे आप उनको मेल नहीं कर रहे कि सर मुझे एक्सटेंशन दीजिए तो उनका में इंप्रेशन अच्छी बनती है तो वो लोग आपको मतलब हेल्प भी कर सकते हैं। एट द एंड मुझे प्रोफेसर ने मेरे से कहा भी था कि अगर आपको लेटर ऑफ रेफरेंस चाहिए वगैरह तो उसमें अच्छा रहेगा मतलब आप मुझे बोलो फील फ्री तो वो लोग भी सामने से काफी हेल्पफुल बनते हैं। ओके ओके सो इसलिए हाँ फैकल्टी भी अच्छी है ना तो बस मेन यही चीज है कि अपनी असाइनमेंट्स टाइम पे करते रहो। और मैं ट्रैवल भी कर रहा था बीच में सेकंड सेमेस्टर में इंडिया टू कनाडा और फैकल्टीज इतने सपोर्टिव है कि वो आपको एक्सटेंशन देते हैं टाइम टू टाइम। मैंने अपने सभी फैकल्टीज को मेल किया कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ मैं 1 वीक तक बिजी रहूंगा तो उन्होंने काफी सपोर्ट दिखाते हुए मुझे एक्सटेंशन वगैरह अच्छे से दिया था। सो थैंक यू सो मच विनय इस चीज के लिए क्योंकि पता क्या एक्चुअली बिग डेटा एनालिटिक्स के ऊपर कोई वीडियोस इनफ है नहीं ताकि है ना लोगों को इन्फॉर्मेशन पता चल सके। स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम था। हां यही है वीडियो में लाइक जरूर कर देना अगर आप लाइक करोगे ना तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगी ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने में। और विनय को थैंक यू बोलते हुए और आप सबको थैंक यू बोलते हुए देखने के लिए चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।